ये तो हम सभी जानते हैं कि वीजा और मास्टर कार्ड दोनों दुनिया के सबसे बड़े कार्ड नेटवर्क हैं, और अब इनके बीच एक डील हुई है जिसके चलते क्रेडिट कार्ड यूजर्स का खर्चा कम हो सकता है। तो आइए जानते हैं हमारे वीडियो में इस डील के बारे में विस्तार से और कैसे होगा इससे सभी क्रेडिट कार्ड यूजर्स को फायदा। देखिए, आज के समय में भारत के साथ साथ दुनिया में बड़े पैमाने पर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है और उनको क्रेडिट कार्ड से फायदे होते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग चार्जेस पे करने पड़ते हैं। ऐसे में अब इन दोनों सबसे बड़े कार्ड नेटवर्क वीजा और मास्टर कार्ड ने $30 बिलियन के करीब की डील की है, और ये सेटलमेंट मर्चेंट्स के क्रेडिट कार्ड फी को लेकर है, और ये सेटलमेंट डेबिट कार्ड फी पर भी लागू होगी। इस डील के तहत दोनों नेटवर्क प्रोवाइडर्स स्वाइप रेट को 0.04% कम करने पर एग्री हुए हैं। ये कटौती 3 साल के लिए होगी, साथ ही एवरेज रेट को करंट रेट की तुलना में अगले 5 साल के लिए 0.07% कम रखा जाएगा। हालांकि सेटलमेंट के तहत ये फैसला मर्चेंट्स के ऊपर छोड़ा गया है कि वह रेट में की गई कटौती का लाभ ग्राहकों को दें या ना दें। अब आइए ये जान लेते हैं कि आखिर ये स्वाइप रेट क्या होता है। तो आपको बता दें कि स्वाइप रेट वो चार्ज होता है जो वीजा और मास्टर कार्ड जैसे कार्ड्स नेटवर्क कार्ड से हुई लेन देन पर लिया जाता है। इसमें रेट्स 1.5% से 3.5% के बीच में होते हैं। देखिए, कार्ड नेटवर्क्स ये चार्ज मर्चेंट से वसूलते हैं और ज्यादातर मर्चेंट्स इसका बोझ ग्राहकों पर डाल देते हैं। कई जगहों पर मर्चेंट्स कार्ड पेमेंट से पहले ही ग्राहकों को आगाह कर देते हैं कि उन्हें इतना अतिरिक्त भुगतान करना पड़ सकता है। तो क्या आप भी हैं क्रेडिट कार्ड यूजर? तो हमें आपका इस पर जो भी कहना है कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल पैसा लाइफ को अभी सब्सक्राइब कर लें।